हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्टूडेंट अपडेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे जिनके एग्ज़ाम चल रहे थे उनके पोस्टपोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि क्या है पूरी अपडेट। वीडियो में आप एंड तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाइस, कुछ दिन पहले जेके बोस की तरफ से एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें यहाँ पर जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर कहा जाता है। तो यहाँ पर गाइस, उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे पास कमेंट्स आते हैं और हमें पूछा जाता है कि क्या सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए या फिर जो एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, क्या साइंस के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर हम जो है सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। गाइज, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये 28 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स थे, फिजिक्स उनका सब्जेक्ट था, जो होम साइंस के स्टूडेंट्स थे या फिर जो आर्ट्स के हिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट था, उसके साथ साथ यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट था, ठीक है, वो जो कि एग्ज़ाम जो है गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मई को होने वाला था, 2 मई को ये एग्ज़ाम होने वाला था मंडे को, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स का, जिन भी स्टूडेंट्स का जो है 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला था मंडे को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 मई को जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हुआ है, वो अब जो है 17 मई को होने वाला है, ठीक है गाइज। बाकी कोई भी यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ है, सिर्फ एक एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हुआ है, चाहे आप किसी भी यहाँ पर जो है स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स साइंस या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आपका एग्ज़ाम 2 मई को था तो वो पोस्टपोन हो चुका है, वो जो है आप 17 मई को होने वाला है। बाकी जो है देख सकते हैं आप, टाइम एंड वेन्यू शाल रिमेन सेम, यानी कि टाइम भी रहेगा सेम, योर जो जहाँ पर आपका एग्ज़ाम था वहीं आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पर जो 2 मई का एग्ज़ाम है वो 17 को होगा। उसके अलावा सभी एग्ज़ाम जो है आपकी जो डेट शीट थी पहले वाली, उसी डेट शीट के मुताबिक जो है होने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको जो है जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।